चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पानीपत शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं रेलवे स्टेशन पानीपत जंक्शन से। पानीपत जंक्शन हरियाणा राज्य के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में एक है। यहाँ दिल्ली कालका मुख्य रेलमार्ग के साथ ही पानीपत जींद रेलमार्ग एवं पानीपत रोहतक रेलमार्ग प्रारंभ होते हैं। पानीपत जंक्शन से पंजाब, जम्मू, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य भारत के लिए अनेकों रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। पानीपत जंक्शन से बाहर निकलते ही पूर्व की ओर जाने वाली सड़क रेलवे स्टेशन रोड के रूप में मुख्य शहर में प्रवेश कर जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पानीपत को महाभारत काल में पांडवों द्वारा पांडुप्रस्थ के रूप में स्थापित किया गया था। इस ऐतिहासिक शहर में 1526, 1556 एवं 1761 ईस्वी में भारतवर्ष के इतिहास पर प्रभाव डालने वाली 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं। वर्तमान में पानीपत हरियाणा राज्य के 22 जनपदों में एक है। पानीपत जनपद को करनाल मंडल में सम्मिलित किया जाता है। रेलवे स्टेशन रोड अपने पूर्वी छोर पर दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुड़ता है। दिल्ली की ओर से आने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग पानीपत के दक्षिणी छोर से शहर में प्रवेश करता है। यह सड़क नया हरिद्वार बाईपास मोड़, पुराना हरिद्वार बाईपास मोड़, नई अनाज मंडी तिराहा आदि से होकर सेक्टर 25, सेक्टर 11 आदि से गुजरकर गोहाना मोड़ होते हुए मुख्य शहर की ओर बढ़ता है। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग को लगभग 7 किलोमीटर लंबे ऊपरगामी सेतु से होकर निकाला गया है। पानीपत शहर में पंजीकृत होने वाले वाहनों को HR06 से पहचाना जाता है। पानीपत हरियाणा राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से फरीदाबाद एवं गुरुग्राम के बाद तीसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। यहाँ वर्तमान में 6,21,000 की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। आगे बढ़ते हुए मुख्य सड़क संजय चौक से गुजरती है। संजय चौक पानीपत शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पश्चिम में जाटल रोड एवं पूर्व में जाने वाली सड़क सनौली रोड के रूप में पहचानी जाती है। सनौली मार्ग पानीपत की सबसे मुख्य सड़कों में एक है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के शामली होकर मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि को पानीपत से जोड़ता है। पानीपत के पुराने रिहायशी क्षेत्र जैसे पशु अस्पताल रोड, गुरुद्वारा मार्ग, अमर भवन चौक, पुरानी मंडियां आदि इसी मार्ग के इर्द गिर्द स्थित हैं। पानीपत को ब्रिटिश काल में पंजाब राज्य के करनाल जनपद की एक तहसील के रूप में पहचान मिली। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होने के पश्चात इसे हरियाणा में सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ के विश्व स्तरीय हथकरघा उद्योग और अनेकों औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के कारण शहर की जनसंख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई एवं 1889 में इसे करनाल से अलग कर पानीपत और असंध तहसीलों को जोड़कर जनपद घोषित कर दिया गया। किंतु 1992 में असंध तहसील को पुनः करनाल जनपद से जोड़ दिया गया। वर्तमान में पानीपत जनपद में कुल 3 मुख्य तहसीलें पानीपत, समालखा एवं इसराना हैं। सनौली रोड पूर्व की ओर हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर 12, बबैल तिराहा आदि से होकर कैराना शामली की ओर प्रस्थान कर जाती है। सनौली मार्ग के निकट ही उत्तर में स्थित काबुली बाग में ऐतिहासिक काबुली मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण 1526 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त करने पर अपनी बेगम काबुली बेगम के नाम पर कराया था। जीटी रोड के निकट ही चौड़ा बाजार स्थित है। यह बाजार आधुनिक पानीपत के मुख्य बाजारों में एक है। जीटी रोड स्थित असंध चौराहा से पूर्व की ओर इंसार बाजार रोड प्रारंभ होता है, जो शहर के सबसे मुख्य बाजार इंसार बाजार से जुड़ता है। इंसार बाजार दक्षिण में अमर भवन चौक से उत्तर में तहसील रोड तक विशाल आकार में फैला हुआ बाजार है। इंसार बाजार से पूर्व में मेन बाजार स्थित है, जहां पानीपत की बो अली शाह दरगाह स्थापित है। इंसार बाजार से उत्तर में शहर का सबसे मुख्य एवं आस्था का केंद्र बिंदु देवी मंदिर स्थित है। यह ऐतिहासिक देवी मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित हरियाणा राज्य के सबसे बड़े मंदिरों में एक है। इसका निर्माण मराठा योद्धा सदाशिव राव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कराया था। मंदिर परिसर में एक विशाल तालाब भी था, जो अब सूख चुका है एवं यहाँ एक उद्यान विकसित कर दिया गया है। संजय चौक से पश्चिम में जाटल मार्ग रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर
सत करतार नगर एवं मॉडल टाउन के दक्षिणी छोर से होकर जाटल की ओर निकल जाता है। मॉडल टाउन पानीपत के सबसे पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ उच्च स्तरीय भवन एवं अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शोरूमों से भरा हुआ है। यह दक्षिण में जाटल मार्ग एवं उत्तर में असंध मार्ग तक विशाल आकार में फैला हुआ है। असंध मार्ग पश्चिम में बड़ी नहर चुंगी से पानीपत में प्रवेश करता है एवं आर्यनगर, मॉडल टाउन आदि क्षेत्रों के निकट से रामलाल चौक से होकर गुजरता है। पानीपत में तेल शोधन कारखाना एवं थर्मल पावर प्लांट समेत अनगिनत औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। शहर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु कुल 8 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली शहर, कोतवाली सदर, थाना मॉडल टाउन, थाना किला, थाना चांदनी बाग, थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र, थाना सेक्टर 13-17 एवं थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में विभाजित किया गया है। असंध मार्ग अपने पूर्वी छोर पर असंध चौराहा पर जीटी रोड से जुड़ जाता है। पानीपत जैसे आधुनिक महानगर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पानीपत महानगर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो पानीपत शहर एवं पानीपत जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।